वहीं रतलाम शहर के महू रोड सालाखेड़ी स्थित आदिवासी छात्रावास में छात्रों के भोजन में कीड़े निकलने का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने मौके पर जाकर पंचनामा बनाया और मामले की जांच शुरू कर दी। आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित बालक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के छात्रों ने छात्रावास द्वारा भोजन में शामिल दाल में कीड़े निकलने की सूचना छात्रावास अधीक्षक को दी थी। इसके बाद मामला रतलाम कलेक्ट्रेट तन्वी सुंदरियाल के संज्ञान में आया। कलेक्ट्रेट के निर्देश पर एसडीएम अनिल भाना और आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त जीएस डामोर मौके पर पहुंच गए। ये शिकायत आई थी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास सालाखेड़ी रोड पे, इसमें दोपहर के लंच का जो बना था लंच में, उसमें दाल में कीड़े की शिकायत मिली। उसके आधार पर आए थे जांच करने के लिए। क्या निकला था उसकी? मैं 12-15 बच्चे थे आज, उनके लिए दाल और रोटी बनी थी। तो दाल में अभी 2-3 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि जो बच्चे बच गए थे और सुबह तो बाकी लोग खा चुके थे, 2-3 बच्चे बचे थे, दाल में कीड़े की शिकायत मिली थी। हम आके देखा कि हमने तो कीड़े थे। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब ऊपर सोर्स क्या था कीड़ों का ये पता नहीं चला, क्योंकि हमने उसके बाद सारी दाल पानी मिर्ची मसाला जो था सब हमने चेक किया, उसमें कीड़े नहीं निकले। सर वो सुबह खाना बना था, बच्चों ने खा लिया था, उसके बाद 8 जनों का बचा था, उसमें से 2 लड़के मैं और सुनील बचा था, हमने खा लिया था। जल्दी जल्दी मेरे को कोचिंग जाना था, फिर मैं छत पे पढ़ाई कर रहा था सर। उसके बाद ये लखन मेरे पास लेके आया कि मनोज भैया इसमें से कीड़े निकले हैं। वो सर दाल में से निकले, दाल सब्जी खा रहा था, इसमें ली थी मैं। मध्य प्रदेश न्यूज में इसी के साथ फिलहाल बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे आप, बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। मैं आपको मजा बताती हूँ।